अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसके कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट जो मसल्स के होते हैं उसके बारे में बताया था। सो आज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। यानी कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक्टिन और मायोसिन वाला, कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो अगर किसी मसल को स्ट्रेच कर लेते हैं या इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी कि एक ही जगह पे हम उसको रोक देते हैं, वहीं पे इमोबिलाइज कर देते हैं, फंक्शनिंग उसकी रोक देते हैं मसल की, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मसल पर। इसको पढ़ने से पहले ये टॉपिक जो नेक्स्ट है ना, न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो पिछला टॉपिक आपके लिए आसान होगा। सो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये वाला पिछला वाला टॉपिक करवा दूंगी। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन थी या कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है मसल का जिसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, उसकी क्या है न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। न्यूरो मीन हम लोगों ने नर्व्स वगैरह को देखना है, फिजियोलॉजी यानी कि उसकी नर्व्स जो हैं, जो फाइबर्स हैं एफिरेंट और इफिरेंट, उनकी फंक्शनिंग को देखना है, ठीक है। तो इसमें ये एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक डायग्राम बनाई है जैसे कि यहाँ आपकी बुक में बनी हुई है सेम ऐसी। इसमें ना हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एक ये एक मसल है पूरा, ठीक है, ओवरऑल मसल है। तो मसल में हम लोगों ने दो चीज़ें देखनी है। ये यहाँ पे मसल की मैंने बाहर से फाइबर शो की है, ठीक है। ये जो मेजर पोर्शन होता है ना आपके मसल का, जो बल्क बना रहा होता है, कोई भी स्केलेटल मसल ले रहे हैं उसका जो बल्क बना रहे हैं, जो बाहर वाले आउटर ये फाइबर्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फ्यूजल। यानी कि बाहर वाले हैं ना तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहते हैं। और इनका काम क्या क्या होता है कि एक तो ये मसल का बल्क बना रहे होते हैं, दूसरी चीज़ कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कौन से दो फंक्शन बताए मैंने, एक ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा मसल का बल्क बना रहे होते हैं। इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर, मेन बॉडी बना रहा होता है मसल का, वो होते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स। ये आपको यहाँ पे ये दो आपको नज़र आ रहे फाइबर्स, ये हमारे पास इंट्रा फ्यूजल फाइबर है। और इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स का जो बंच होता है ना, एक बहुत सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स आप इकट्ठे कर दो तो उसको हम लोग मसल स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती हैं कि हम लोग इंट्राफ्यूजल को मसल स्पिंडल कह रहे होते हैं, मसल स्पिंडल को इंट्राफ्यूजल कह रहे होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब काम क्या है इसका, यहाँ पे हम लोगों ने बाहर वाले का एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स का काम पढ़ा था कि ये फोर्स जनरेट करते हैं। ये जो होते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर या मसल स्पिंडल, एक तो इनका काम ये होता है कि इनमें प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या करवाते हैं कि पोजीशन बताते हैं किसी भी बॉडी पार्ट की पोजीशन इन स्पेस, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें मैकेनोरिसेप्टर होते हैं जो कि रिसेप्टर मीन के सेंसेशन उन्होंने लेके जानी है ब्रेन तक। कौन से सेंसेशन लेके जाएंगे, एक तो स्ट्रेच, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेच। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, स्ट्रेच, जब भी मसल पे स्ट्रेच पड़ेगा, मसल को स्ट्रेच पड़ेगा तो ये रिस्पॉन्स करेंगे। उसके अलावा वेलोसिटी, कि स्ट्रेच किस वेलोसिटी से पड़ रहा है, यानी कि कितना हम लोग टाइम पीरियड कितना है, या कितना टोनिक स्ट्रेच है सडनली दे रहे हैं, या सस्टेन रखा हुआ है, या थोड़े टाइम के लिए रखा हुआ है, उसकी वेलोसिटी को भी स्पीड को भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो चीज़ें ये हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो चीज़ देखनी है वो है इंट्राफ्यूजल की फर्दर टाइप्स। इंट्राफ्यूजल जो कि मसल स्पिंडल है, इसमें दो तरह के फाइबर्स आ रहे हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और एक न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब न्यूक्लियर बैग इसको क्यों कह रहे हैं, न्यूक्लियर बैग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियाई जो है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ न्यूक्लियाई इसके बिल्कुल सेंटर में, एक इस तरह बैग बना होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियर बैग फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे न्यूक्लियाई पड़े होंगे। इसके कंपैरेटिवली अगर न्यूक्लियर चेन बनाऊँ तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होता है और एक लाइन में, एक चेन में न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर चेन फाइबर्स कहते हैं। ये दोनों मिलकर मसल स्पिंडल बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम लोगों ने फाइबर्स देखने हैं इसके अंदर एंडिंग पे। ये आपको ग्रीन वाले जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ग्रीन वाले फाइबर्स ये यहाँ पे एंडिंग्स पे होते हैं। लाइक यहाँ अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ,
ठीक है। और ये दोनों एंडिंग्स पे, इनके हमारे पास जो मसल स्पिंडल है इसकी बोथ एंडिंग, ये एंडिंग वाला पार्ट, जो एंड वाला पार्ट है ना, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ये कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, जबकि सेंट्रल पार्ट है ये सिर्फ सेंसेशन कैरी करता है, ठीक है। एफिरेंट और इफिरेंट, सिर्फ एफिरेंट जो एफिरेंट ए वाले फाइबर्स हैं ना, सेंसरी फाइबर्स, वो सेंसेशन कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाले हैं ना, जो इसके एंड पर हैं, इसको हम लोग गैमा मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। गैमा मोटर न्यूरॉन्स, तो ये गैमा मोटर है ना, मोटर यानी कि ये जो है मोटर रिस्पॉन्स लेकर आएंगे और इस पर कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे इस पार्ट पे, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर इस पर भी होते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे जो न्यूक्लियर हमारे पास चेन फाइबर्स हैं, यहाँ पे भी गैमा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो एफिरेंट, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे एफिरेंट फाइबर्स होते हैं, वो इस तरह से कुछ, यानी कि अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये इस तरह से इन्वेलप किए होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ना हमारे पास, ये जो मैंने पिंक से शो किए हैं, ये दोनों में होंगे, न्यूक्लियर चेन में भी और न्यूक्लियर बैग में भी, ठीक है। तो इसको ना, इन फाइबर्स को हम कहते हैं 1A फाइबर्स, और ये सेंसिटिव होते हैं टू स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच रिस्पॉन्स को ये सेंसेशन देंगे, स्ट्रेच रिस्पॉन्स के लिए, और उसके अलावा वेलोसिटी के लिए भी, दोनों के लिए। अब ये जो है ना, इसमें ये जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, इसमें एक और तरह के फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे मैं शो कर दूँ, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप टू फाइबर्स। अब देखें, हम लोगों ने पढ़े एक टाइप वन ए फाइबर्स, ठीक है, ये भी सेंसरी फाइबर्स हैं, टाइप टू फाइबर्स भी सेंसरी हैं। जो वन बी वाले हैं ना, एक वन को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया है ना, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो टाइप टू है ना, ये सेकेंडरी हैं, ठीक है, और ये जो टाइप वन है ये प्राइमरी हैं। टाइप वन ए एंड टाइप वन बी जो होते हैं वो हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंसरी हैं, तो ये सेंसेशन कैरी करेंगे किसकी, स्ट्रेच की, ठीक है। स्ट्रेच को टॉनिक स्ट्रेच है या सस्टेन है या सडन आपने की दिया या थोड़ा सा स्लाइट स्ट्रेच दिया, उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और गैमा वाले जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे यहाँ पे। इसके साथ एक और तरह के हमारे पास मोटर फाइबर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फा मोटर फाइबर्स जो है ना, ये जो आपके एक्स्ट्रा फ्यूजर फाइबर हैं इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजर मसल फाइबर को सप्लाई करेंगे और इसको यानी कि एक मोटर रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, एक्शन पोटेंशियल लेकर आएंगे, जिसकी वजह से फोर्स जो है यहाँ पे जनरेट होगी और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब स्ट्रेच का मैकेनिज्म क्या है, जब भी देखे ये जो हमारे पास इंट्राफ्यूजर फाइबर्स हैं, इनकी एंडिंग्स एक्स्ट्राफ्यूजर फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब एक मसल को स्ट्रेच किया हम लोगों ने, थोड़ा सा स्ट्रेच दिया बाहर की तरफ, तो इससे ये जो टेंडन है ना, टेंडन पे स्ट्रेच पड़ेगा, टेंडन के साथ हमारे जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, उस पर स्ट्रेच पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेच पड़ने की वजह से ये जो यहाँ पे हमारे पास 1A एफिरेंट फाइबर्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इस स्ट्रेच को रोकने की ट्राई करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रेच को ये रिस्पांस देंगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जाएंगे, रिस्पांस यानी कि सेंसेशंस लेकर जाएंगे, जिसका रिस्पांस आएगा अल्फा मोटर न्यूरॉन्स या गैमा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और मसल कॉन्ट्रेक्शन करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टेंशन डिवेलप होगी मसल में, ये कुछ है। तो इसको नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि किस तरह से स्ट्रेच का रिस्पॉन्स आता है और मसल टेंशन जनरेट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स का बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये जो मसल है ना, मसल पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मसल के एंड पर जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा होता है टेंडन होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो टेंडन के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको पिंक से शो कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से रिसेप्टर्स पड़े होते हैं टेंडन्स के अंदर, और ये इन टेंडन्स को हम GTOs भी कहते हैं या गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स भी कहते हैं। और ये टी से याद रखें, गोल्जी टेंडन है ना, तो टी से याद रखें, ये टेंशन को यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। जब भी मसल में टेंशन क्रिएट होगी, थोड़ी सी भी टेंशन जनरेट हो रही है मसल में, तो ये इसके रिस्पॉन्स में मसल को स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है, टेंशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ये जो हमारे पास स्पिंडल है, ऐसे याद रखें, ये स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। मसल
जब भी लेंथनिंग में जाएगा तो ये उसके रिस्पॉन्स में मसल को टेंशन में यानी कि टेंशन जनरेट करवाएंगे, और इस पर जब भी मसल टेंशन में होगा तो ये रिस्पॉन्स लेकर आएंगे मसल को लेंथनिंग करवाएंगे। ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन का और स्पिंडल्स का। होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास है मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।